हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि एनएससी की न्यू वेबसाइट से ऑप्शन चेन डेटा पुल कैसे करें। तो अब जो हम डेटा पुलिंग का काम करते हैं वो बेसिकली सिर्फ इंडेक्स के लिए ही काम कर रहा है, दैट इज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही काम कर रहा है, वो स्टॉक्स के लिए काम नहीं कर रहा है। और वो सिर्फ ड्यूरिंग मार्केट आरसी डेटा पुल हो पा रहा है, आफ्टर मार्केट आज हम डेटा पुल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एरर को कैसे रिजॉल्व करें, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने इधर वो वीडियो में डिटेल में प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में मैं जो एरर रिजोल्यूशन पार्ट है उस पर फोकस करूँगा, तो बाकी की चीज़ों को मैं फास्ट फॉरवर्ड वे से करता जाऊँगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा पुल कैसे करना है स्टॉक्स का। तो सबसे पहले हम एनएससी का वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा हमें चाहिए, स्टॉक्स का डेटा, तो स्टॉक ऑप्शंस, लेट से रिलायंस का डेटा अगर हमें चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रिलायंस सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन चेन। तो चेक कर लिया, ये रिलायंस का ही ऑप्शन चेन ओपन हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट नेटवर्क, उसमें ऑप्शन चेन सिलेक्ट कर लूँगा। सिर्फ एक बार पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इसमें ऑप्शन चेन इक्विटीज सिंबल इक्वल टू रिलायंस, मेक श्योर आप यही ओपन करें, क्योंकि इसमें और एक है इक्विटी मेटा इन्फो सिंबल इक्वल टू रिलायंस, में वो आप करोगे तो आपका ऑप्शन चेन पुल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुकी वैल्यू सेट कर लेते हैं। अब जनरली हम प्रीवियस वीडियो में क्या कर रहे थे कि हम ये BM underscore SV वाला वैल्यू पुट करते थे, बट स्टॉक्स का डेटा रिट्रीव करने हमें ये एक एनसिट वैल्यू, जो बड़ा कुकी वैल्यू है उसमें एक एनसिट वैल्यू रहेगा, वो कॉपी करना है और एक नया शीट, चलो नाम कीज नाम दे देते हैं, उसमें फर्स्ट एनसिट वैल्यू, देन एनएससी एपीआई आईडी आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसे कॉपी करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं एनएससी एपीआई आईडी ये रहा फाइंड करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, ठीक है। अभी डेटा में फ्रॉम रेंज टेबल, ये जो प्रोसेस हमने प्रीवियसली किया था सेम वही प्रोसेस है। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर आप वो देख लो पहले। तो ये जो है वो कुकीज फंक्शन हो गया। अभी न्यू क्वेरी में अदर क्वेरी, ब्लैंक क्वेरी, एक डेटा क्वेरी, तो एडवांस एडिटर में जाके ये जो भी है सब डिलीट कर देते हैं और ये इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमें कौन सा डेटा चाहिए, एनएससी के रिलायंस का ऑप्शन चेन डेटा, तो मैं सिर्फ ये सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, इधर जो कुकी वैल्यू था वो एग्जैक्ट कुकी वैल्यू लिखा हुआ था, तो आपको क्या करना है, उसे ये कुकीज से रिप्लेस कर देना है, इधर आपको सिर्फ कुकीज लिखना है। तो मेक श्योर आप ऐसे ही रखें। तो डन कर दिया। अभी आ गया फिल्टर रिकॉर्ड्स लिस्ट, कन्वर्ट टू टेबल, ओके।
आपको जो भी चेंज, लास्ट प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, देन पुट में भी आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो, लाइक चेंज लास्ट प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओके, सेव एंड लोड. सो डेटा रिट्रीव हो गया. इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी करके देख लेता हूँ. तो डेटा रिफ्रेश हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन इंपोर्ट स्टॉक डेटा. इधर की पार्ट इज आपको ये जो कुकी वैल्यू है वो चेंज करना पड़ेगा. अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है तो आपको कुकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. तो जैसे ही आप कुकी वैल्यू चेंज करोगे डेटा रिट्रीव होना स्टार्ट हो जाएगा. तो आई होप आपको समझा होगा. ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी. तो आई होप अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो. आई विल मेक श्योर कि मैं एज सुन एज उसे रिप्लाई कर पाऊँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.